हेलो दोस्तों, नमस्ते, कैसे हो आप सब। मेरा नाम मानव प्रहर, आप देख रहे हैं हिंदी टेक वीडियो। और इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ, जब भी आप दोस्तों TWRP रिकवरी को ओपन करते हो, TWRP रिकवरी के अंदर आपको दोस्तों पासवर्ड आस्क करता है, एज वेल जो डेटा दोस्तों माउंट नहीं कर पाता है। तो जो डिक्रिप्ट इंटरनल स्टोरेज का प्रॉब्लम है, उसे किस तरह से फिक्स कर सकते हो, उसका मैं जो सोल्यूशन है वो यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हो, मेरे पास है रेडमी नोट 7 एंड इसके अंदर जो TWRP जब भी ओपन होता है दोस्तों, मुझे पासवर्ड जिज्ञेस करता है। नाउ मुझे तो पासवर्ड पता ही नहीं है, क्योंकि दोस्तों डिक्रिप्ट डेटा का पासवर्ड है, जो हमारा डिवाइस के अंदर लॉक पासवर्ड है, जो पैटर्न लॉक होता है, जो फोन लॉक होता है, वो नहीं है दोस्तों। ये है डिक्रिप्ट डेटा, इसका जो पासवर्ड है ये किसी को मालूम ही नहीं होता है। सो इस केस के अंदर क्या होता है, अब मान लेते मैं अगर यहाँ पर अगर कुछ भी देता हूँ, तो बोलता है जो माउंट है दोस्तों ये है ही नहीं, मतलब पासवर्ड तो मुझे मालूम ही नहीं है। तो अगर मैं 123 जो भी देता हूँ दोस्तों, उससे जो डेटा है हमारा वो डिक्रिप्ट नहीं होता है, क्या क्योंकि दोस्तों ये जो डिक्रिप्ट है दोस्तों, इसका पासवर्ड हमें मालूम नहीं है। सो सिंपली कैंसिल कर देना होगा। कैंसिल करने के बाद जो चीज़ आप नोटिस करोगे दोस्तों, आपका जो इंटरनल स्टोरेज है दोस्तों 0 MB हो जाएगा। तो 0 MB हो गया। नाउ यहाँ पर आप कोई भी रॉम को दोस्तों फ्लैश नहीं कर पाओगे, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, इवन जो आपका डेटा है उस भी आप माउंट नहीं कर पाओगे। इसके आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, यहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं दिखा रहा है। एंड हमने जो डेटा को माउंट करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, एक्चुअली डेटा भी माउंट यहाँ पर नहीं हो रहा है। सो यहाँ पर इस प्रॉब्लम को आप किस तरह से फिक्स करते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके TWRP रिकवरी के अंदर इस तरह की प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये जो इशू है दोस्तों, आपका डिक्रिप्ट का इशू है। मतलब आपको क्या करना होगा, जो फोर्स डिक्रिप्ट है उसे डिसेबल करना होगा। जो डिक्रिप्ट हो जाता है, ये जो प्रोसेस है, इसे डिसेबल करना होगा। डिसेबल करने के लिए आपको जिप मिल जाएगा। एंड ये जो इशू है दोस्तों, आपके TWRP रिकवरी का भी इशू हो सकता है। इस केस के ऊपर आपको और कोई रिकवरी को यूज करना होगा। मान लेते आपके डिवाइस को इस तरह की इशू हो रहा है, आपको पासवर्ड आस्क कर रहा है, आपको पासवर्ड मालूम नहीं है, आप कैंसिल कर दिया, उसके बाद TWRP रिकवरी के अंदर आपको 0 MB दिखा रहा है। इस केस के अंदर आपका जो TWRP रिकवरी है, TWRP रिकवरी आपका जो स्टोरेज है उसे एक्सेस नहीं कर पा रहा है, बट आपका जो डेटा है दोस्तों अभी भी सेव है, अभी भी आपका जो डेटा है दोस्तों क्लियर नहीं हुआ है, डिलीट नहीं हुआ है। इस केस के ऊपर आप क्या करोगे, सिंपली आपके डिवाइस को जो भी रॉम इंस्टॉल है उसी रॉम को दोस्तों ओपन करो। सिंपली मैं ऐसे यहाँ पर सिस्टम को ओपन करता हूँ, मेरे डिवाइस को अभी फिलहाल MIUI का रॉम इंस्टॉल है, उस रॉम को मैं ओपन करूंगा, उस रॉम को मैं कनेक्ट, ये जो डिवाइस है दोस्तों, इस डिवाइस को मैं कनेक्ट करूंगा मेरे लैपटॉप के साथ। उसके बाद इस डिवाइस के साथ जितने भी इंपॉर्टेंट डेटा है, जो भी फाइल, इमेजेस, वीडियोस, जितनी भी चीज़ है दोस्तों, सभी को मैं बैकअप करके ले लूंगा, कॉपी कर लूंगा। क्योंकि दोस्तों इसी प्रोसेस के अंदर जो TWRP रिकवरी के अंदर अगर मैं स्टोरेज का एक्सेस दूंगा, तो दोस्तों जो TWRP रिकवरी है, जो स्टोरेज है, उसे क्लीन वाइप करेगा। सो मेक श्योर करना आप दोस्तों पूरा डेटा का बैकअप लेना। ऐसे देख पाओगे मैं अभी MIUI 12 के अंदर हूँ, एंड यहाँ पर MIUI 12 के अंदर सब कुछ काम कर रहा है। एंड यहाँ पर अगर आपको मैं स्टोरेज दिखाता हूँ, स्टोरेज जो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 16 GB ऑक्यूपाइड दिखा रहा है, मतलब हमारा जो स्टोरेज है तो काम कर रहा है। एंड जैसे कि आप यहाँ पर देख ही पा रहे हो, बट TWRP रिकवरी के अंदर हमें स्टोरेज नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ पर सिंपली हम फोन को पावर ऑफ करेंगे। मेक श्योर करना आप पूरा डेटा का बैकअप ले लेना, अपने फोटोज, अपने कॉन्टैक्ट, अपने मैसेजेस, जितना भी चीज़ें तो इंपॉर्टेंट डेटा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उसका आप कॉपी करके अपने पीसी के ऊपर और कोई डिवाइस के ऊपर बैकअप ले लीजिए। क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर आपके डिवाइस के ऊपर जितनी भी चीज़ है तो सब कुछ डिलीट होने वाला है। तो सिंपली फिर से हम TWRP रिकवरी को ओपन करते हैं, एंड यहाँ पर भाई सब क्या गया। सो ओके, TWRP रिकवरी आ गया है। तो यहाँ पर फिर से हमें पासवर्ड पूछ रहा है, तो इस बार हम दोस्तों कैंसिल में टाइप करने वाले हैं। उससे पहले एक फोटो क्लिक कर लेता हूँ भाई सब, क्योंकि थंबनेल भी बनाना है ना, इसलिए ओके। तो भाई साहब यहाँ पर सिंपली TWRP रिकवरी के अंदर बूट होने के बाद आपको कैंसिल करना होगा, उसके बाद आपको वाइप में जाना होगा। नाउ यहाँ पर दोस्तों अगर आप एडवांस वाइप में जाओगे, सब कुछ सिलेक्ट कर लोगे, उसके बाद वाइप करोगे, तो आपको एरर दिखाएगा। अगर आप दोस्तों सिंपली फैक्ट्री रिसेट करोगे, फिर भी दोस्तों यहाँ पर फैक्ट्री रिसेट तो हो जाएगा, बट दोस्तों आपका जो स्टोरेज हो आएगा और नहीं आएगा वो हमें कुछ ही टाइम के लिए मालूम, कुछ ही टाइम के अंदर मालूम चल जाएगा। यहाँ पर डन हो गया। उसके बाद दोस्तों देखो जो इंटरनल स्टोरेज है वो दिखा रहा है, बट इन केस अगर फिर भी फैक्ट्री रिसेट करने के बाद आपका जो स्टोरेज है नहीं दिखा रहा है, तो आपको क्या करना होगा, फॉर्मेट में जाना होगा, यस टाइप करना होगा, उसके बाद टैप करना होगा, उसके बाद आपका जो पूरा डेटा है दोस्तों इंटरनल स्टोरेज का, सब कुछ डिलीट हो जाएगा A to Z। ये चीज करने के बाद आपका जो फोन है दोस्तों, फोन के अंदर इंटरनल स्टोरेज शो कर देगा। यहाँ पर देखिए जो इंटरनल स्टोरेज है शो कर दिया है, एंड जो आपका जो डेटा है दोस्तों, ये भी आप माउंट कर पाओगे, कोई भी इशू नहीं है। आपका जो डिक्रिप्ट इशू है वो चला गया है। नाउ आपको क्या करना होगा दोस्तों, आपको और कोई कस्टम रिकवरी डाल लेना होगा। यहाँ पर मैं ऑरेंज फॉक्स रिकवरी को इंस्टॉल करने वाला हूँ, R11 जो स्टेबल बिल्ड है रेडमी नोट 7 के लिए, उसे हम यहाँ से मेरे कंप्यूटर से इसके अंदर ट्रांसफर करने वाले हैं। तो जल्दी से ट्रांसफर कर लेता हूँ। सो ट्रांसफर होने के बाद यहाँ पर हमें मिल गया है ऑरेंज फॉक्स R11 स्टेबल लेवेंडर। सो इसमें इसे हम फ्लैश कर देते हैं। सो जो TWRP रिकवरी है, इसे हम छोड़ के जो ऑरेंज फॉक्स रिकवरी है उसे यूज करने वाले, उसके साथ हम जो रॉम आएगी इन फ्यूचर उसे हम फ्लैश करने वाले। तो सिंपली आपको भी वही करना होगा।
एंड यहाँ पर हमारा जो ऑरेंज फॉक्स रिकवरी तो यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। सो उसके बाद यहाँ पर ओके कर दीजिएगा एंड बूम आपके डिवाइस को देख पाओगे यहाँ पर हमें ऑरेंज फॉक्स रिकवरी भी दिखा रहा है एंड कोई भी इशू नहीं है। एंड जो स्टोरेज है स्टोरेज का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड आप आराम से दोस्तों जो आपका डेटा है सिस्टम है उसे आप पार्टीशन भी कर पाओगे एज वेल यहाँ पर आपको फाइल मैनेजर भी मिल जाएगा एंड इसे भी आप यूज़ करके देख सकते हो एंड ये आपका फाइल मैनेजर हो गया। सो यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। एनीवे चलो भाई सब यहाँ से इसे एग्जिट मारते इसे एग्जिट कैसे करते एग्जिट यहाँ से करते यस बहुत ही पुराना वाला फाइल मैनेजर है इसे भी आप यूज कर सकते हो ऑरेंज फॉक्स रिकवरी के अंदर। सो आप कुछ इसी मेथड से दोस्तों अपने डिवाइस के अंदर अगर पासवर्ड पूछ रहा है और आपका जो डेटा है माउंट नहीं कर पा रहा है तो आप इसे यूज कर सकते हो। इस ट्रिक को आशा करूं वीडियो पसंद आया होगा। सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के सेलेक्ट करने के साथ साथ इंस्टाग्राम में फॉलो करना। थैंक यू वेरी मच। बाई।